पश्चिम बंगाल के हुगली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, चुनाव ने दीदी को चंडी का पाठ करने को मजबूर कर दिया। पश्चिम बंगाल के चिनहटा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, मानव तस्करी, रेप, एसिड अटैक और महिलाओं पर अत्याचार में बंगाल नंबर वन पर है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बोले, सचिन वाजे कहीं सच न बोलते इसलिए उसके जेल जाने के बाद भी उसका समर्थन शिवसेना वाले कर रहे थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। मिथुन का रोड शो रद्द हुआ तो भड़के बीजेपी कार्यकर्ता, सुपरस्टार बोले टीएमसी को हार का डर। प्रियंका का सीएम योगी पर तंज, कहा कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने पर भी कर रहे रैलियां। इरिट्रिया के विदेश मंत्री इस्माइल सालेह मोहम्मद ने हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से की मुलाकात। कोरोना संक्रमण का कहर देखते हुए नोएडा और गाजियाबाद में 17 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आह्वान, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर मनाएं दलित दिवाली। लव जिहाद पर फिर सक्रिय हुआ विहिप, मठ मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का चलेगा अभियान। फिल्म मेकर संतोष गुप्ता की पत्नी और बेटी ने घर में आग लगाकर की आत्महत्या। रिलीज हुआ खेसारी के 2 रुपया गाने का दूसरा वर्जन, 4 दिन में 51 लाख व्यूज। यूपी में पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण के 8,490 नए मामले सामने आए, अब तक 9,003 लोगों की मौत हुई। काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञान वापी मस्जिद केस में कोर्ट का फैसला, एएसआई की 5 सदस्यीय टीम करेगी पुरातात्विक जांच। यूपी के बिजनौर जिले में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 5 मजदूरों की मौत, 4 की हालत गंभीर, फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।